एएनआर कॉम्पिटेटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात। ध्यान से पहले आप कॉन्सेप्ट समझो फिर प्रश्न हल करते हैं। देखो पहली नंबर पे बात करते हैं हम कि अनुपात की परिभाषा क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुपात क्या होता है, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कॉमन ना हो, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। आप जानते हो एक हर संख्या में है, जैसे 2:3 है, तो इसमें भी एक है और इसमें भी 3 है, तो ये क्या रहता है? अनुपात। अब बात करते हैं नंबर 2 पे कि हमें समानुपात जानना है कि समानुपात क्या होता है। तो ध्यान रखना है दो अनुपातों की बराबरी को, दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे a/b बराबर c/d, तो कैसे लिखेंगे इसको? a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक है। तो ये किस चीज का चिन्ह है? समानुपात का। आगे बात करते हैं नंबर 3 पे कि अगर हमें मिश्रानुपात निकालना है, क्या निकालना है? मिस अनुपात या जटिल अनुपात, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे संख्या दे रखी है हमें a, b और अगली दे रखी है c, d, इनका हमें क्या निकालना है? मिश्र अनुपात। तो कैसे निकालते हैं? a×c अनुपात b×d, मतलब पहली का तीसरी से गुणा कर देते हैं और दूसरी का चौथी से गुणा कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? मिश्र अनुपात या जटिल अनुपात। अगला बात करते हैं हम कि अगर हमें मध्यानुपाती निकालना है, क्या निकालना है? मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √xy। मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? √xy। अगला बात करते हैं हम नंबर 5, तृतीयानुपाती निकालना हो, तृतीयानुपाती, तो क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है हमें? π²/x। तृतीयानुपाती निकालने के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है? π²/x। नंबर 6 पे बात करते हैं हम कि अगर हमें प्रथमानुपाती निकालना है, प्रथमानुपाती, तो पहले नंबर पर x मान लेते, पहले नंबर पर x मानते, ठीक है। अगर हमें चतुर्थानुपाती निकालना है, चतुर्थानुपाती, तो चौथे नंबर पर x मानते, चौथे नंबर पर एक्स मानते, क्लियर, ठीक है। ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं, तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है इस तरीके के प्रश्न के लिए कि आय माइनस बचत बराबर होता है खर्च, ठीक है। अब आय का अनुपात कितना दे रखा है? 5:3, ठीक है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, आय माइनस बचत कितने की कर रहे हैं? वो 1300 रुपये की, ठीक है। दूसरा की आय कितनी है? 3x, और बचत कितनी कर रहा है? 9x। योग्य आय माइनस बचत बराबर खर्च का अनुपात कितना है? 9:5, क्लियर। यहां तक 13 गुणा कर देते हैं, 25x माइनस 13×65 बराबर 29, 27x माइनस 9×81, ठीक है। 27x में से 25x जाएंगे तो कितना बचेगा? 2x, और 8100 में से 6500 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1600, 2 से कट गया 800, मतलब x की वैल्यू कितना है? 800, तो 8×5=40, मतलब 4000, और 8×3=24,
उसने पूछा है प्रत्येक की आय कितनी है, तो 4024। क्लियर? ठीक। अगला प्रश्न देखिए, राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है, उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है, यदि प्रत्येक 4,000 रुपये की बचत करता है तो राम की आय कितनी है। देखो आय में कितना अनुपात है, 3 और 2 का। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आय माइनस बचत बराबर खर्च। ठीक है, 3x हो गई, बचत कितनी है 4,000, दूसरे की आय कितनी हो गई 2x और बचत कितनी है 4,000, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है प्रत्येक की बचत 4,000 रुपये। बराबर खर्च का अनुपात कितना है 2/3, गुणा कर देते हैं 3x-4,000 बराबर 2×2=4x-8,000। देखो 8,000 में से 4,000 जाएंगे तो 4,000, और 4x में से 3x जाएंगे तो x, मतलब आप 4×3=12,000। पहला नंबर वाला राम था, राम का ही पूछा है। ठीक है, तो राम की आय कितनी है 12,000, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ए और बी की आय का योग कितना दे रखा है 33,000 रुपये। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उनकी बचतों का अनुपात 4:3 हो। देखो बचत का अनुपात कितना दे रखा है हमें 4:3, तो बी की आय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बी की आय। अब देखो ए अपनी आय का 60% खर्च करता है और हमें बचत का अनुपात दे रखा है, तो ए 60% खर्च करता है तो कितना बचाता है 40%, बी 75% खर्च करता है तो कितना बचाता है 25%। ये भी बचत हो गई और ये भी बचत हो गई, बराबर है। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 4 से कट गया 40 10 बार में, 5×10=25। a/b, 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा, तो 3×2=6, मतलब ए और बी में कितना अनुपात हो गया 5 और 6 का। टोटल पैसा 33,000 है, निकालना बी के लिए, मतलब बी का अनुपात कितना है 6, और टोटल कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 11×3=33,000, 6×3=18,000 रुपये। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रीता और गीता प्रतिमा क्रमशः 6,000 रुपये तथा 8,000 रुपये कमाते हैं, दोनों क्रमशः 70% और 80% खर्च करती हैं, दोनों की बचतों में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये 6,000 कमा रही है और ये 8,000, हमें अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए बटे में 70% खर्च कर रही तो बचत कितनी कर रही 30% की, और ये 80% खर्च कर रही तो कितनी बचत कर रही 20%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3×0=3, 1×0=1। ठीक है, ये हो गया 6×3=18 और ये हो गया 8×2=16, 2 से कट गया 9 बार और 2 से कट गया 8 बार, तो उनकी बचत का अनुपात कितना है 9:8। क्लियर? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 9 और 25 का मध्यानुपाति ज्ञात कीजिए। देखो मध्यानुपाति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एक्स वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है 9 और वाई की वैल्यू कितना है 25। ठीक है, 25 × 225 और 225 का वर्गमूल क्या होगा 15। ठीक है, तो 9 और 25 का मध्यानुपाति क्या है 15। क्लियर? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 12 और 30 का तृतीयानुपाति ज्ञात कीजिए। देखो हमें ध्यान रखना है कि तृतीयानुपाति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y²/x। y की वैल्यू यहाँ पर कितना है 30, तो 30×30/12, 6 से काट दिया 2 बार और 6 से काट दिया 5 बार, 2 से काट दिया हमने 15 बार, और 15×5 कितना हो जाएगा 75, तो 12 और 30 का तृतीयानुपाति कितना होगा 75। क्लियर? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 6×5=21 का चतुर्थानुपाति ज्ञात कीजिए। देखो जब हमें चतुर्थानुपाति ज्ञात करना होता है तो चौथे नंबर पर x मान लेते हैं। अब कैसे लिखेंगे, 6:5 समानुपात 21:x। चतुर्थानुपाति ज्ञात करेंगे तो चौथे नंबर पर क्या मान लेंगे x, तो कितना हो जाएगा 6/5=21/x। 3 से काट दें 3×2=6 और 3×7=21, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 7×5=35/2।
दो से भाग दे देते हैं कि दो एकम दो, बच गया 15, हो गया 2 7 14, ठीक है, तो 17 सही 1/2, ये क्या हो जाएगा चतुर्थानुपाती, या दशमलव में बोल देंगे तो 17.5 क्या होगा इसका चतुर्थानुपाती। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 8.2.5.5 का प्रथम अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखो जब प्रथम अनुपाती ज्ञात करते हैं तो पहले नंबर पर x मान लेते हैं, अब कैसे लिखेंगे, x अनुपात 8 समानुपात 2.5:5, ये क्या हो जाएगा x/8 = 2.5/5। ठीक है, अब देखो ये 2.5 है, 2.5 कितना होता है 2.5, और 2.5 दूना कितना हो जाएगा 5, 2 से कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो प्रथम अनुपात कितना होगा 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। हमने अब वो घटाने वाली संख्या क्या मान लिया, x, 17 - x/19 - x बराबर कितना हो जाएगा 5/7। अब इनका तिर्यक गुणा कर देते हैं तो 17 * 119 - 7x = 19 5 95 - 5x। अब देखो 119 में से 95 जाएंगे तो 24 बचेंगे, और माइनस का 7x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7x में से 5x जाएंगे तो 2x बचेंगे, 2 से कट गया 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। मतलब 17:19 के प्रत्येक पद में से 12 घटा देंगे तो कितना अनुपात हो जाएगा 5:7। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि अनुपात 2:3 हो जाए। अब क्या जोड़ें, मतलब x जोड़ देते हैं, तो 3 + x/5 + x = कितना हो जाएगा 2/3, तो 3 * 9 + 3x = 5 × 10 + 2x, 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बच जाएगा x, और 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 1। मतलब क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5 के अनुपात में बांटी गई, यदि क्यू का भाग 1500 रुपये हो तो पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो पी क्यू आर था और उनका अनुपात कितना है 3:5:7, यहाँ हमने एक्स लगा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि क्यू का भाग 1500, मतलब 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 300, 5 × 3 कितना हो जाएगा 1500, x की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब पूछा क्या है p और r के भागों में अंतर, p और r में यहाँ पर r की वैल्यू 7x है और p की वैल्यू कितना है 3x, मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है 4x का, तो x की जगह पर अगर मैं 300 लिख देता हूँ 4 × 300 तो कितने का अंतर हो जाएगा 1200, यही हमारा आंसर है। क्लियर दोस्तों, देखो आप आराम से कॉन्सेप्ट समझा करो, प्रश्न समझा करो, ये हमारा यूट्यूब पे 22वां नंबर का टॉपिक चल रहा है, इससे पहले हम 21 टॉपिक कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, तो आप क्रम से देखा करो, आपका पूरा गणित बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 2030 रुपये में से ABC को इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये घटा देने पर उनके अनुपात 8:7:5 का अनुपात होगा। ठीक है, ABC को इस प्रकार बांटना है। ठीक है, अब देखो A का भाग मान लिया हमने X, और B का भाग मान लिया हमने Y, और C का भाग मान लिया हमने Z। अब इनके भागों में से कितना 15 घटा देते हैं और 10 घटा देते हैं और 5 घटा देते हैं, तब इनका कितना अनुपात हो जाता है 8:7:5। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो x/y/z बराबर, इसको इधर पहुँचाएंगे, यहाँ पर कोई भी संख्या अनुपात के लिए हमने स्मॉल a मान लिया। ठीक है, तो यह 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8a + 15, 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7a + 10 अनुपात, 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5a + 5। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो
इन तीनों का योग दे रखा है हमारे पास 2030, मतलब 8a+15 +7a+10 +5a+5 बराबर कितना 2030। ठीक है, ये हो जाएगा 8, 7, 15, 5, 20a+ ये हो जाएगा 30, 15, 10, 25, 5, 30 बराबर 2030। ठीक है, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 30 घट जाएंगे तो 2000। ठीक है, मतलब 20a बराबर कितना हो जाएगा 2000, 0 से 0 कट गई तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 200, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। ठीक है, अब इनका पैसा यहाँ पर रख देते हैं कि 8 मतलब 100 × एक ही जगह पर 100 रखेंगे तो 8 × 100 मतलब 800, और 15 कितना हो जाएगा 815। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 710, और ये कितना हो जाएगा 505। ठीक है, अगर हम इनमें देखो 815 में से 15 घटा देंगे तो 800 बचेगा, 10 घटा देंगे तो 700 बचेगा, और 5 घटा देंगे तो 500 बचेगा, तो 3, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी सब जगह, तो इनका अनुपात कितना बच जाएगा 8, 7, 5, यही कहा था उसने। ठीक है, क्लियर दोस्तों, स्टॉप अनुपात समानुपात चल रहा है। इस वीडियो में मैंने 12 प्रश्न लिए हैं, इससे आगे वाले वीडियो में मैं 12 से आगे प्रश्न लूंगा, आप क्रम से देखा करो। ये हमारा 22वें नंबर का टॉपिक चल रहा है, इससे पहले 21 पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अगर आप उनके नाम जानना चाहो तो मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ। देखो, संख्या पद्धति कंप्लीट पढ़ा दिया है, एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट है, भिन्न बीजगणित, वर्गमूल घनमूल, औसत, आयु, घातांकरणी, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, मिश्र समानुपात, समय कार्य, पाइप टंकी, समय चाल दूरी, रेल, धारा नाप, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और साझा। किस टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, 22वें नंबर का टॉपिक चला है अनुपात समानुपात। तो आप अगर क्रम से वीडियो देखते हैं तो आपका पूरा गणित कंप्लीट हो जाएगा। मैं नियमित वीडियो डालता रहता हूं, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। धन्यवाद।